अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तवा कलेजी की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तवा कलेजी के लिए हमें कलेजी चाहिए होगी आधा किलो। मैंने चिकन की कलेजी ली है, आप बीफ या मटन की भी ले सकते हैं। अब इनको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अब चलते हैं इसके मसालों की तरफ। तो इसमें डलेगा 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और जीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून। अब इसमें दही ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अब 2 लीमू लेके इसमें निचोड़ देंगे। लीमू के जो है आपने बीज पहले निकाल लेने हैं, इसके बाद इसको निचोड़ के डालना है। हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है आधे घंटे के लिए। अब तवे पर तेल डालेंगे आधा कप। मैंने इसमें तेल कम डाला है, लेकिन जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि तेल ज़्यादा होता है। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तेल, तो फिर 1 कप भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ये कलेजी डाल देंगे और इसको कर लेंगे फ्राई। इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। देखिए, ये कलर जो है इसका सफ़ेद हो चुका है। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे और ढक्कन ढककर 20 मिनट के लिए पका लेंगे। इतनी देर पकाना है कि कलेजी जो है वो गल जाए। पंद्रह से 20 मिनट में कलेजी बहुत अच्छी तरह गल जाएगी। इसे पकते हुए 20 मिनट हो चुके थे और कलेजी जो है वो गल चुकी थी। अब जो इसका पानी है वो हम खुश्क कर लेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब थोड़ा सा हम इस पे हरा धनिया डालकर इसे गार्निश कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सी तवा कलेजी तैयार हुई थी। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।